नोएडा के गुज्जर, नोएडा के डॉन, शुद्ध गुज्जर, प्योर नोएडा के गुज्जर भाई है भाई। भाई जहाँ पे ना 40 की स्पीड होती है ना, वहाँ पे भाटी भाई चलाते हैं 80 की स्पीड में। नंबर भाई ने भाई कितना महंगा लिया है ना, आपको बता भी नहीं सकते। गाड़ी से महंगा नंबर है भाई, भाई के पास दो नंबर है भाई गाड़ी का। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। क्या हो गया भाई, मार गए कोई इसमें टेंट यार है? भाटी के साथ यार पता नहीं क्या सीन हो गया भाई, बहुत तगड़े वाले ही तो बेचारे के भाई। कम से कम 10 एक मान तो मतलब एक एक आध लाख तक का खर्चा होगा इसमें। सलाह ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हेलो दोस्तों, भाई क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मैं भाई हूँ आज शोभित। ओ हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई लोग? और भाई युधि क्या हाल चाल है? और इधर भाई डॉन भाई को तो तुम जानते हो। तो भाई आज ना मतलब कि आपको पता है यार, लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता रहेगा कि मैं यार इधर इस वाले भाई भाई भाटी भाई के घर पे आ रखा था, भाटी बदमाश भाई के घर पे आ रखा था। और आज यार मतलब कि ना हम कल सुबह मतलब कि कल रात को हम ना खाना वाना खा के सो गए थे जल्दी, और उसके बाद भाई आज ना मतलब कि सुबह उठ के अब हम ना जा रहे हैं भाई खाना वाना खाने के लिए। भाटी लेकर जा रहा भाई हमें किसी बढ़िया से इंडियन रेस्टोरेंट में ना खाना खिलाने के लिए। इंडियन और भाई है कहाँ पे वैसे, दूर है क्या ज्यादा? नहीं थोड़े पास में होगा, पास में ही है। अच्छा यार भाई एक नंबर की गाड़ी भाई चलाता है यार, आपने लास्ट वीडियो में वैसे देख लिया होगा। देखो यहाँ से ओवरटेक हो नहीं पा रही लेकिन फिर भी करने की पूरी पूरी कोशिश चल रही है भाई की, गुजार रखी भाई। तो भाई यार एक बात तो है यार, यहाँ पे ना पता है मनाली वाली फील आती है पूरी, मतलब कि ना जैसे आप हिल स्टेशन में जा रहे हो, देख रहे हो यार सामने ना बादल वादल दिख रहे हैं और भाई पहाड़ वहाड़ दिख रहे हैं ऊपर से, भाई गाड़ी भगती हुई जा रही है यहाँ पे ऐसे। ये देखो यार 40 की जगह 80 चलती है गाड़ी। अच्छा भाई जहाँ पे ना 40 की स्पीड होती है ना, वहाँ पे भाटी भाई चलाते हैं 80 की स्पीड में। ये देखो यार इधर की तरफ आप पहाड़ में घर देखो भाई, कितने सही मतलब बढ़िया बढ़िया तगड़े तगड़े बना रखे भाई, सच में मजा आ रहा है भाई। और यार गाड़ी ना पता है ये वाली गाड़ी ना सच में इतनी मतलब बढ़िया फील दे रही है ना, मर्सिडीज वाली मतलब बिल्कुल फीलिंग आ रही है। जैसे ना इसमें ना मतलब यहाँ से ये फुट ये निकल जाता भाई, जैसे ना ये सपोर्टर टाइप का आ जाता बाहर है, और फिर आराम से भाई जैसे मर्सिडीज में रखते हैं ना भाई बढ़िया अपने आराम से रहो, वैसा वाला सीन है। और आगे भाई घर भी यहाँ पे बहुत सही सही है भाई के पास, गाड़ी भी तो है ही तगड़ी, देखी आपने भाई है। नंबर भाई ने भाई कितना महंगा लिया है ना, आपको बता भी नहीं सकते। गाड़ी से महंगा नंबर है भाई, भाई के पास दो नंबर है भाई गाड़ी का, तो खर्चा तो दबा के करा नहीं भाई ने। भाई पहली गाड़ी थी जो जिंदगी में पहली बार मतलब गाड़ी ली जापान में। अच्छा उसका नंबर था 1। अच्छा ये दूसरी गाड़ी है इसका नंबर है 2। अरे भाई सीक्वेंस में चलेगा भाटी भाई का ये है। तीसरी गाड़ी लेगा नंबर होगा 3। अच्छा चौथी गाड़ी लेगा वो नंबर होगा 4। अच्छा है भाई, हां ये सीक्वेंस में सीक्वेंस लेके थोड़ा सा है यहां भी ठीक है, बस थोड़ा मतलब कि अच्छा, प्राउड है अपना पर एक। अच्छा अच्छा नंबर भाई मैं भी प्राउड नहीं है, मैं थोड़ा सा है स्ट्रगल चल रही है लाइफ में, स्ट्रगलिंग चल रही है। स्ट्रगलिंग क्या मतलब कि गाड़ी से महंगा नंबर ले लो, स्ट्रगलिंग बता रहा हूं। ये स्ट्रगलिंग नहीं होती है, थोड़ी सी ओवर बजट चले जाती है कभी-कभी चीजें, बट वो थोड़ी ठीक है कुछ होता है। तो यार आपने भाई मोटा-मोटा कितने का नंबर लिया यार ये वाला? ये दो नंबर बता नहीं सकता, ये तो थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी सुमित भाई अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे इसके बारे में। भाई कितने का नंबर आता है यार वैसे, ये दो नंबर कितने का? भाई मैं कभी ना लूं इतना महंगा नंबर है। है कितने का यार वैसे? 40 लाख। कितने का? खोके में बात है, खोके में बात है यार भाई। देख रहे भाई गाड़ी से महंगा नंबर ले रखा भाई ने, गाड़ी है लाखों में, गाड़ी है लाखों की भाई, नंबर है करोड़ों का। तो यही है भाई रेस्टोरेंट है, ये पार्किंग है रेस्टोरेंट की, बढ़िया 90 लाख का नंबर है। 90 लाख मतलब कि अच्छा जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे उसकी इतनी मतलब वो भाई जो मैं नंबर सोच रहा था लेने के लिए ना थोड़ा ऐसे हाँ। भाई मैं तो अपने हाथ खड़े कर दिए नंबर का प्राइस देख, महंगे होते हैं मिल जाते हैं नंबर पर, मिल जाते हैं महंगे होते हैं कर सकता है जिसकी भाई सैलरी हो मोटी और कमारा हो दबा के, दिल हो खुला यार ये, और पहुंचो भाई
ऊपर तक शौक है बचपन से, मैं बदमाश ही हूँ। तो भाई पता है क्या, हम ना वैसे अंदर जा रहे थे रेस्टोरेंट के, लेकिन उससे पहले ना आपको कुछ दिखाने के लिए, मतलब कि पता चल गया यार ये तो आपने कल देख लिया होगा, लास्ट वाली वीडियो देखी है, नहीं देखी है तो फिर भाई देख लेना वीडियो को जाके। नोएडा के गुज्जर, नोएडा के गुज्जर भाई है भाई, भाई इंडिया में तो कुछ बोल ही नहीं सकते, जमीनों का पैसा खुला है, बहुत पैसा है अपने पास और जापान में कंपनी से पैसा आ रहा है, कंपनियों से पैसा आ रहा है, कंपनियों से, हाँ सॉरी मैं बोल मिस्टेक हो रही, कंपनियों से पैसा आ रहा है। तो भाई अभी हम आ चुके हैं भाई रेस्टोरेंट के अंदर, और इधर देखो भाई पूरी फीलिंग आ रही है टेंट वाली की शादी में आ रहे हैं, और भाई सीट एक बार सीट दिखे भाई, सीट दिखे भाई, भाई सीट में भी ना सच में जैसे जैसे शादियों में नहीं लगा होता टेंट वाला भाई के हिसाब के, मतलब बढ़िया फीलिंग अच्छी आ रही है, मजा आ रहा है। अब मंगवाते कुछ ऑर्डर करें भाई, भाई कुछ ऑर्डर कर दे फिर दिखाते हैं आपको यहाँ पे खाना कैसा आता है, ठीक है? खाना टेस्टी है, ओके ओके भाई खाना टेस्टी बता रहा भाई, तो फिर करते वेट, करते कुछ ऑर्डर फिर दिखाते आपको। भाई बहुत देर वेट करने के बाद ना फाइनली हमारा खाना आ चुका है, और खाना देखो भाई कितना पूरी ना इंडिया वाली फील दे रहा भाई खाना, एक बार देखो यार इधर भाई तुम्हारे भाई का खाना है, इधर भाई भाई के मसाले डोसा, मसाला डोसा है, इधर भाई के भाई यही स्पेशल थाली है, और ये भी भाई भाई की स्पेशल थाली है, और सॉरी 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 यार यार सुपर स्पेशल, सुपर स्पेशल थाली है भाई, भाई वैरायटी देखो यार एक बारी जरा, हर चीज अलग होती है, हर चीज मतलब कि बहुत ही ज्यादा, प्राइस भी अलग ही है, हां प्राइस भी भाई हमारी थालियों से ना इसका भाई का डबल है, और यार काफी अच्छा खाना मतलब देख के लग रहा है, बाकी खा के बताते हैं आपको कैसा लगता है ना, करते फिर फटाफट से चालू। तो भाई हमने ना फाइनली खाना खा लिया, और भाई खाना हो रहा था बहुत ही तगड़ा, बाकी भाई इन लोगों से पूछो भाई, मैंने खाया मसाला डोसा एक नंबर भाई, मैंने खाया लंच सेट वन सेट, भाई ने खाया स्पेशल स्पेशल थाली यार, उसका प्राइस तो तुमने दिखाया नहीं यार, प्राइस दिखाना भूल गया यार, तमीज वाला बदमाश है ये, रिस्पेक्टफुल पर्सन है बहुत ज्यादा, सच वो तो है यार, वो तो भाई देख रहे शर्ट में भाई डोले कैसे चमक रहे भाई, एक बार टाइट करना, नहीं अभी यार ओ भाई भाई नहीं नहीं बोलते हुए भी दिखा दिया उसने, ओ भाई साहब, अरे भाई कटिंग कटिंग तो तगड़ी यार। तो भाई ये है भाई यहाँ का स्टेशन, और ऊपर कुछ मॉल टाइप का आई थिंक बना रहे हैं नीचे से स्टेशन, और ये भाई स्टेशन के आसपास का एरिया भाई, वैसे यार आगे चल के यार आगे जाके ना मतलब कि पीछे इधर की पीछे की तरफ जाके ना है तो वैसे मतलब कि जंगल वंगल या फिर पहाड़ वहाड़ है, लेकिन अच्छी जगह है यार रहने के लिए ना, रहने के हिसाब से अच्छी जगह है, इसीलिए भाई भाटी भाई यहाँ पे रहते हैं, अब पता चला। चले भाई कर दे फिर भाई को भाई, चलो चले फिर भाई, चलो फिर यार अच्छे से जाना, और भाई भाटी भाई थैंक यू सो मच, भाई ने बोल दिया कभी भी मन करे कभी भी याद आया आ जाना, ओके भाई यार आराम जाना, मिलते फिर अगले हफ्ते, चलो ठीक है भाई। तो यार पता है हम जा रहे थे यार कहीं, भाटिया में लेके जा रहा था कहीं पे, लेकिन यार क्या सीन हो गया कि ना टाइम ना बहुत ज्यादा हो चुका है यार, टाइम दिखाता हूँ मैं आपको पहले ना, टाइम देखो भाई 4:30 बज चुके हैं, तो यार 4:30 बज गए तो यार अब ना कहीं जाने का, फिर जाएंगे फिर आएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और यार जाते जाते ना बहुत मतलब कि डिले हो जाएगा और अंधेरा हो जाएगा, तो यार इसलिए ना हम प्लान कर रहे हैं कि भाई अब ना यहाँ से निकलते ही हैं, और यदि को बाइक चलानी है तो यार बता रहा है वो कि ना रात को चलाने में दिक्कत भी होती है थोड़ी, तो यार इसलिए भाई चलते हैं फिर अपने घर की तरफ, पहले भाई के घर चलेंगे, पहले भाटी भाई के घर पे चलेंगे सामान उठाएंगे और फिर निकलेंगे वापसी अपने घर की तरफ। भाई तो भाई अभी हम आ गए भाई भाटी भाई के घर पे वापसी ना, ठीक है तो यहाँ से अब हम ना निकलेंगे, क्या हो गया भाई मार गए कोई इसमें टेंट यार, हैं कहा ये, ओ भाई यार अबे यार सच में ये तो बहुत ज्यादा यार ज्यादा लगे है ध्यान यार, इसको कराना पड़ेगा इसमें पिछले हफ्ते तो किया, अबे यार ये क्या हो गया भाई,
पूरे प्लान किया था कि कैसे हो गया, क्या हो गया इसमें, पिछले हफ्ते ही तो कराया था, इस बार फिर हो गया। ये यार हुआ कब? अभी पता नहीं, शायद से कहीं पार्किंग लगाई थी या किसी ने मार दिया, कैसे हुआ समझ नहीं आया, बट अभी दिखा है। अरे यार भाई भाटी के साथ यार पता नहीं क्या सीन हो गया भाई, बहुत तगड़े वाले ये तो बेचारे के भाई, कम से कम 10-1 मान तो मतलब एक एक आध लाख तक का खर्चा होगा इसमें, फिर काफ़ी एक्सपेंसिव होती है यहाँ पे मेंटेनेंस भाई 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 भाई, इसमें जाओगे इस दिखाएंगे तो कितना लग जाता है यहाँ पे यार इसका? 50,000 तीन गलत हो गया यार, क्या बोल सकते हैं अब कि क्या। लेकिन यार तुम गाड़ी भी बहुत तगड़ी चलाते हो ना वैसे, गाड़ी तो चलाते हुए तो नहीं लगी यार, चलाते हुए थोड़ी लगी है, ये तो कहीं कहीं पार्किंग हुई है किसी ने, पता नहीं कोई था कोई अनाड़ी ड्राइवर तुम्हारे लगा दिया, लगा तो गया तो क्या कर सकते, धोखा दे। लेकिन इंश्योरेंस के मिल नहीं जाएंगे यार? इंश्योरेंस का मिल जाएगा बट मेरा इंश्योरेंस बढ़ जाएगा, हर महीने का प्राइस बढ़ जाएगा, तो एक बार देखे तो यार ये तो तुम्हारे 50,000 का फटका लग गया फालतू का, क्या कर सकते हैं यार। चलो कोई नहीं, बाटी भाई संभाल लेंगे, देख लेंगे कुछ कर देंगे, संभालना नहीं है अब इसमें जाके, आज ही सेट नहीं है तो आज ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा वीक फिर गोल्डन वीक की हॉलीडेज आ रही है, तो इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाती है, सभी शॉप्स बंद होती है। सही बात है, सही बात है, आज ही जाना पड़ेगा, आज ही जाना पड़ेगा, अभी जाना पड़ेगा तुम लोगों को जाने के बाद। अरे यार भाई बाटी के लिए एक नया काम आ गया फालतू में आज का, क्या क्या होता रहता है यार भाटी के साथ। चलो कोई नहीं यार भाई, हम हो रहे हैं ऑलरेडी बहुत लेट हो रहे हैं, ये देखो इधर की तरफ भाई सूरज भी नीचे नीचे ढलने लग गया, तो भाई अब हम चलेंगे भाई घर पे अपने वापसी। तो ठीक है, युधि यार ऑलरेडी अंदर चले गया था सामान वामान पैक करने के लिए, तो युधि ने सामान पैक कर लिया होगा आई होप, है ना। अरे भाई मैं भाई ये क्या कर रहा भाई भाई चल ले यार, चलते हैं, चल चलते हैं, हाँ है ना, चलते हैं आजा फिर। तो चलो यार फिर घर चलते हैं भाई अपने अपने, ठीक है, मतलब कि मेरे घर चलेंगे पहले, युधि मेरे को मेरे घर पे छोड़ेगा बाइक से और फिर जाएगा अपने घर पे। तो भाई चलते हैं, दिखाते हैं आपको भाई हाईवे फिर से जापान के भाई, भाटी भाई बाबा भाई। तो भाई 40 मिनट की राइड के बाद ना अभी हम रुके हैं यार लॉसन में, मतलब कि कन्वीनियंस स्टोर में, इधर भी भाई थक गया नहीं नहीं थका नहीं यार, ठंड हो रही है ना। हाँ लेते तो यार पता है इधर की तरफ ना आपने देखे होंगे कि ना भाई पीछे पहाड़ ही पहाड़ थे भाई, यहाँ पे पूरे के पूरे पहाड़ ही पहाड़ है हर जगह पे। तो हम क्या कर रहे हैं अभी यार पता है, मैंने ऑलरेडी वैसे मतलब हुडी पहन रखी है, लेकिन यार जैकेट पहनने की जरूरत पड़ रही है अब, ठंड लग रही है ना यार, और ऊपर जब चढ़ते हैं ना पहाड़ पे, हाँ ऊपर ठंड होती है, वही वही वही, तो कुछ पहन लेना चाहिए। हाँ टेम्परेचर भी यार यहाँ पे ना, हाँ टेम्परेचर भी यहाँ पे 10 आई थिंक हो रहा होगा, 10-12 होगा है ना, 10-12 भाई टेम्परेचर और का बढ़िया मई के मौसम में वो भी यार, है ना, तो बढ़िया यार अच्छा है। और अब पहनते जैकेट और फिर इसके बाद ना आगे चलते हैं अपने घर की तरफ। तो भाई हमने पहन ली जैकेट, ठीक है आप चलते हैं आगे घर की तरफ और दिखाता हूँ आपको ना और क्या क्या नज़ारे दिखने वाले हैं भाई यहाँ पे। भाई पेट्रोल पंप पे रुके हुए अभी यार हैं, और मतलब कि पेट्रोल डलवा रहे हैं, टंकी हो गई थी फिर से खाली, आते समय तो यार आते समय तो हमारे साथ बहुत ही गंदा सीन हो गया था, लेकिन अभी फिर से खाली हो गई थी तो अभी करवा रहे हैं टंकी फुल और फिर चलेंगे भाई आगे घर की तरफ। वैसे यार ज़्यादा नहीं है अब, मतलब थोड़ा सा ही रह गया, देखो दिख रहा होगा आपको 18 मिनट की राइड और है, 18 पूरे यार 2.5 घंटे लग जाएंगे हमें ना, पूरे 2.5 घंटे लग जाएंगे। तो भाई अब जा रहे हैं घर की तरफ और फिर उसके बाद ना इस वाली ट्रिप को करेंगे यहीं पे एंड। तो भाई यार फाइनली भाई 2.5 घंटे की राइड के बाद ना इधर भाई युधि भाई थक गया बहुत ज़्यादा, पहाड़ी पहाड़ थे यार सारे ना, तो भाई रास्ता बहुत ही बेकार था, लेकिन घर पहुंच गया फाइनली। और यार इस वाली वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, बिकॉज वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है और आपने देखा भाई कितना मजा करा हमने इस वाली वीडियो, मतलब कि इस वाली पूरी ट्रिप के अंदर नहीं, पूरे वीकेंड बहुत मजेदार गए, ऐसा लग रहा पूरा एक हफ्ते भर घूम गया है ना, बहुत ज्यादा लग रहा है भाई, एक एक मोमेंट का एंजॉयमेंट करा हमने, तो भाई बहुत ही सही में बहुत मज़ा आया। आई होप यार आपको भी ना उतना ही मज़ा आया होगा जितना हमें आया,
तो ना इस वाली वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड, और आपसे मिलता है भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और भाई सब्सक्राइब नहीं करा ना तो प्लीज यार फटाफट से कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय भाई, बाय बाय, टाटा गाइस, मिलते हैं फिर से।